बैठने की व्यवस्था की गई है, सभी से निवेदन है कि ब्लॉक अध्यक्ष मुसाफिर खाना द्वारा संगठन की गरिमा को बढ़ाते हुए इन्होंने सबको टोपी पहनाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे मुख्य अतिथि का आगमन हो, आप सब खड़े होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। संरक्षण महोदय पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही पलों में आपके बीच में उपस्थित हो जाएंगे। तत्काल प्रभाव से कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वागत है। आरपी सक्सेना, आरपी सक्सेना, आरपी सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। माननीय आदरणीय और इसी के करीब में श्री ओम प्रकाश मंडल अध्यक्ष अयोध्या से हमारे बीच में आ चुके हैं। तालियों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। पंखवाई होर करवाए दे फ्रिज वो जो ना हद वाला के इस इधर ही हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं श्री दुर्गेश दास जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस कार्य मिलजुल कर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। आओ हम सब मिलजुल कर एक झिलमिल दीप जलाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हमारे मुख्य अतिथि द्वारा हो गई है। कहते हैं कि सात रंगों में और सब शिकवा शिकायत भुला दीजिए, जब तक अधिक मनोय दीप रोशन करें। अपने मुख्य अतिथि आरपी सक्सेना जी से अनुरोध करूंगा कि वो माता सरस्वती बाइक बाइक हमें बाइक भैया इसे आप पास हो जाए। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सभा अध्यक्ष महोदय श्री दुर्गेश दास जी और श्री डॉक्टर आरपी सक्सेना और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की जा सके। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको बैच पहनाते आदरणीय डॉक्टर हरकेश गुप्ता भोजपाल स्वागत करिए आप सब तालियों से। और क्या हैं बहुत बड़े अपने समाज के व्यवसायी हैं, उनका सम्मान डॉक्टर हरकेश गुप्ता भोजपाल द्वारा किया जा रहा है।
मैं अपने बिरादरी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय संगठन मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का बैच लगा करके उनका स्वागत करते हुए आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। जोर की ताली, जोरदार तालियां हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए। ऐसे जाबाज साथी आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इस संगठन का उभरता हुआ नया चेहरा आपके बीच में आया है। और हमारे बीच में उपस्थित जायस रायबरेली से मास्टर साहब हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं हमारे सचिव लाल जी गुप्ता। आप लोगों से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। और हमारे बीच में मीडिया प्रभारी राहुल गुप्ता जी, संरक्षक महोदय अमर साहब का बैच लगा करके स्वागत करते हुए जोरदार तालियां। ये माइक जो है किया जा रहा है, आप लोग से निवेदन है कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। बोला भाई, सत्यनारायण गुप्ता जो हमारे प्रदेश के संगठन के रूप में उभरते हुए हैं, प्रबंधक महोदय सत्यनारायण गुप्ता जी का स्वागत राहुल गुप्ता प्रदेश कार्यकारिणी मीडिया प्रभारी द्वारा किया जा रहा है। आप लोग धन्यवाद है, आप लोग तालियों से स्वागत कीजिए। जिनको मंच पे बुलाना है पहले मंच पे किसी को बुला लीजिए ना, विशेष अतिथि को मंच पे बुला लीजिए। लाल जी भैया और श्री अशोक कुमार गुप्ता UPSTF से हैं, और अगर वो हमारे बीच उपस्थित हैं तो मंच पे आए जिससे उनका स्वागत किया जा सके। श्री अशोक कुमार गुप्ता UPSTF अमेठी से हैं, जो कि DIS ऑफिस सुल्तानपुर में हेड क्लर्क हैं। अगर वो उपस्थित हैं तो आए, मंच पे आए और मंचस्थ हो। श्री सूर्यलाल गुप्ता सभासद कादीपुर, श्री सूर्यलाल गुप्ता सभासद कादीपुर अगर उपस्थित हैं तो मंच पे आ जाएं। श्री वो मंच पे आए, गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और श्री रामदेव गुप्ता जो कि मंडल अध्यक्ष हैं कानपुर जुबैस महासभा अवध से, अगर वो आए हैं तो मंच पे आ जाएं। गुप्ता स्वागत किया जा रहा है, तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। आप सभी जितने भी स्वजाति बंधु हैं, अपने स्वजाति बंधुओं के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा स्वागत समारोह में जो भी जितने भी कार्यक्रम होता है सब में सही। ये कहते हैं कि दिल के बहुत ही खूबसूरत हो आप, कि दिल के बहुत ही खूबसूरत हो आप, इस महफिल की जरूरत हो आप। रौनक आई आपके आने से, स्वागत करता हूँ आपका तहे दिल से, तहे दिल से, तहे दिल। अर्चना गुप्ता जो कि त्रिशुंडी अमेठी से इस सभा में अगर आई हो तो मंच पर आए। गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन उनका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। अर्चना गुप्ता अगर आई हैं तो मंच पे आ जाएं। ये अपने समाज की, सजाती समाज की बिटिया है जो कि नेपाल में गोल्ड जीत कर आई है। स्वागत तालियों से अर्चना गुप्ता का। फिल्म में लोग बिन बुलाए आते हैं,
हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए आते हैं क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं पलके बिछाए जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए आप भी मंचस्थ हो जाइए। सभी छोटे बड़ों का, सभी पदाधिकारियों का, हमारे मुख्य अतिथि का, हमारे विशिष्ट अतिथियों का, ये गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और अपने ही समाज के बेटियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। रिंकी गुप्ता, पिंकी गुप्ता, ज्योति गुप्ता, करिश्मा गुप्ता, ये लोग पूर्ण तैयारी के साथ आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। इन बेटियों के लिए एक शेर अर्ज है कि न साख है न फूल है अगर तितलियां न हो, न साख है न फूल है अगर तितलियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां ना हो, वो घर भी कोई घर है जहां बेटियां ना हो। कहते हैं कि माता की धूल और आप सबकी तालियां किसी अभिनंदन से कम नहीं, इतना सुन के अगर आप बजा दे ताली तो ऐसा लगे मेरा प्रयास किसी बंधन से कम नहीं, किसी बंधन से कम नहीं। वीणा की बजैया सातो सुर की रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजारे कर तारी सुनी है मैया, शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। जिकरा पे माई राउल कृपा हो जाला, गुनियार ज्ञानी बानी जग में पुजाला। स्वर में तुझे केरा समा जालू माई, सुर सर गम के हो ज्ञाता कहारा। मूर्खा भी बन जाला रानी सोनी है मैया, शारदा भवानी। बीड़ा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। सुर दस काली दस के कवि तू बनैलो, वाल्मीकि जी से तू रामायण लिखवैलो। रामचरित मानस के कई दिल रचना, तुलसी के जब तू कलम में समैलो। कितना बखानी सोनी है मैया, शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। विनती हजार करतानी सोनी है मैया, शारदा भवानी। वीणा के बजैया सातो सुर के रचैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया, हंस पे सवार होके आजा मोरी मैया। थैंक यू। इस सरस्वती वंदना के बाद अयोध्या वालों के लिए कहीं जगह आ गए हमारे सबसे खास मेहमान, आ गए हमारे सबसे खास मेहमान। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है।
और कार्यक्रम की इसी कड़ी में जो अगला हमारा प्रोग्राम है वो है स्वागत गीत, क्योंकि जो हम करिए मन की पीड़ा से कुंजित भई मंगलम स्वागतम 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 मन की पीड़ा से कुंजित भई मंगलम स्वागतम 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 ऐसा पावन सुहावन समय आज है ऐसा पावन सुहावन समय आज है आप आए सरताज है लेके गीता की पूजन करें आज हम लेके गंगा पूजन करें आज हम स्वागतम 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 मठी बगिया से हमने है कलिया चुनी मन की बगिया से हमने है कलिया चुनी श्रद्धा के फूल से हमने माला बुनी करते हैं उनको सुमन आज हम स्वागतम 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 मन की पीड़ा से कुंजित भई मंगलम स्वागतम 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 बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे बीच आए मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को माल्यार्पण कर नहीं भूले दुश्मन को भी सीने से लगाना नहीं भूले हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले हम अपने बुजुर्गों का जमाना नहीं भूले आज भी हमारी धरोहर हम अपनी संस्कृति जिसका कि मूलभूत उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा ये गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन मूलतः तीन ही बिंदुओं पर फोकस कर रहा है शिक्षा में हमारा कल्याण हो हमारे बच्चे आगे बढ़े शिक्षा ग्रहण करें उस शिक्षा में आए और विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करें गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का यही मूलभूत उद्देश्य है इसी को लेकर ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है कि हमारे बीच जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो बहुत 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 ऊंचाइयों पर जाएं बहुत आगे बढ़ें समाज का नाम रोशन आप सबसे बड़ी उपलब्धि आप समाज से प्रेम है इसीलिए आप इतनी दूर से चलकर आए हैं आप सजाती समाज के बच्चों को बहुत सारी फ्री बुक्स प्रोवाइड कराते हैं जैसे करंट अफेयर्स की बुक सामान्य ज्ञान की बुक्स इंग्लिश की बुक्स मैथ्स की बुक कंप्यूटर की बुक आप पधारे स्वागत हो स्वीकार द्वार हमारे आप आ गए सहज लुटाते प्यार साधन कम पर भाव विवल है स्वागत करो श्रीमान जी का आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का प्यार आशा है स्वीकार करेंगे भाव सुमन का प्यार बहुत बहुत स्वागत है और इसी क्रम में मैं अपने संरक्षक श्री एम आर गुप्ता से निवेदन करता हूँ जो दिल का हो खूबसूरत जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं जो दिल का हो खूबसूरत खुदा ऐसे लोग कम बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे महफिल में आए हैं जिन्हें ऐसा बनाए वो आज सब सब श्री दुर्गेश दास जी का मोमेंटो देकर और साल पहना कर स्वागत करने जा रहे हैं सभी बिरादरी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि वो जोरदार तो तालियों से ऐसे नौजवान साथी आपका प्रदेश अध्यक्ष इसके लिए के लिए जोरदार तालियां सभी साथियों को एक संदेश देना चाहता हूँ तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती यह मंजर जरूर एक दिन आप लोगों के सामने आएगा इस
ये जो बिरादरी बंधुओं के चेहरे की मुस्कान है, ये जो बिरादरी बंधुओं के चेहरे की मुस्कान है, वही तो हमारी महफिल की शान है, वही तो हमारी महफिल की शान है। सम्मान की इसी कड़ी में श्री दयाराम गुप्ता का सम्मान पर आए। संतोष गुप्ता, काइंडली कम एट द स्टेज, प्लीज वेलकम मिस्टर संतोष गुप्ता, काइंडली कम एट वंस ऑन द स्टेज एंड वेलकम टू मिस्टर दयाराम गुप्ता। कमलेश श्री ओम प्रकाश गुप्ता का सम्मान, कमलेश आप दोनों अगला सम्मान श्री अशोक कुमार गुप्ता जो कि फैजाबाद जिले के निवासी हैं, वो UPSTF में काम करते हैं और इतने समाज दौर हो जाए, अरे सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं लेकिन आपकी तालियों में तो जोर हो जाए। और इसी क्रम में सम्मान के इसी क्रम में शिव शंकर भुर्जी जी का सम्मान बंसीलाल द्वारा जी किया जाएगा। शिव शंकर भुर्जी पहला पहला साल भेंट करके और गुप्ता भूत सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का ले लोगो प्रदान कर काम छोड़ करें। तो गिने काम दे के तालियों से स्वागत कीजिए इनका। उपाध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी प्रदेश कोषाध्यक्ष को भेजें, उपाध्यक्ष जी प्रदेश कोषाध्यक्ष को भेजें, ठीक है ना। और हमारे हेलो, और सहयोग की इसी कड़ी में हमारे बीच चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं श्री राजेश गुप्ता। दिक्कत होती है तो उसके लिए वो तत्पर बैठे हुए हैं, उनका स्वागत। चिकित्सा विभाग, अच्छा या बुरा तो केवल एक भ्रम है, जिंदगी का नाम और कभी खुशी कभी गम है, कभी खुशी कभी गम है। इधर से चल कर आए हैं विजय दास जी। ये बच्ची MSc बायोलॉजी गणपत साय सुल्तानपुर से कर रही है, इसका एक इंग्लिश में स्पीच शिक्षा के जो स्वरूप है, शिक्षा की जो बृहद है उसके बारे में होगा। किसी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, एक मीठी सी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बनने चली, उस घर की पहचान बनने चली, जिस घर से अनजान है बेटी। बहुत बहुत स्वागत है ज्योति गुप्ता, जोरदार तालियां होनी चाहिए बेटी के लिए। Greetings to all excellencies and dear friends. We are on the way of contributing our society in a better way with our developing mind and transferring ideas to next generation. Millennials by discovering things, and this is the result of that hard work our generation had done in the past. And we are tremendously boost our mind to get succeed in life in much more. Allow to introduce myself first. My name is Jyoti Gupta and I have completed my master. First of all, I want to congratulate to all the students who put your hard work and effort in your examination, and this is the result. बच्चे आज तो मंच छोड़ दीजिए, बात मंच पर करने दीजिए बात। Attending this occasion. नहीं पीछे हो जाइए बच्चों। गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन थ्री मोटो आर एजुकेशन हेल्थ एंड सेफ्टी। बाई गेटिंग एजुकेशन अ पर्सन कैन टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड माइंड, दैट विल क्रिएट अ बेटर आउटकम इन द फ्यूचर फॉर हिज जनरेशन। So today I am here to present a speech on education. We all know that the independence and
develop a healthy mindset that pushes the world toward growth. Whenever we think to do something for our life, we always scared to take first step, because only that first step seems to be difficult and terrible. But after having first step, everything makes us feel like anything can happen. We need to continue that step. Today, we all are attending this occasion. Why? Because that one person took dare and never looked back. And today, we all can see how much this is growing day by day. It has grown at a state level. And I'm pretty sure in a very short time, we will be seeing its root all over India. Obviously, it's a proudful moment for all of us, because it didn't take much longer to get a, such a huge place. So there is a statement, if you don't have willing, nobody can make you to do something. But if you determined to do, nobody can stop you. I'm overwhelming to having me here, and thankful to the committee of Gupta Bhu Social Welfare Foundation. Thank you so much for listening me patiently, and feel free to improve my errors. For your input, glad to be here, and thank you so much. Thank you so much. एक शेर आपके लिए है, बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, बाज ही नापते हैं तूफान में आसमान को, कौओं को क्या पता बुलंदी किसे कहते हैं, कौओं को क्या पता बुलंदी किसे। तालियां वो हैं इस बिटिया के लिए, तालियां। दुआ करते हैं हम यही कि जिंदगी के हर कदम में तुम सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, आप सभी जनों को मेरा तहे दिल से प्रणाम और नमन। यहाँ गुप्ता बिल फॉर फाउंडेशन और हमारे सभी भाइयों एवं बहन लोग और मुख्य अतिथिगण एवं समस्त प्रदेश के आए हुए हमारे अतिथिगण एवं सभी लोग एवं माता बहनों सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, और हम एक गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं और आप लोग का आशीर्वाद है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है, ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है, ओ परदेश को जाने वाले लौट के फिर ना आने वाले, सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू, खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँखों में आंसू छोड़ गया तू, हम खाते हैं कम सोते हैं, कम खाते हैं कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, सुनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गए
कहते हैं सावन के झूले भूल गया तू हम नहीं भूले तेरे बिन जब आई दिवाली दीप नहीं दिल जले हैं खाली तेरे बिन जब आई होली पिचकारी से छोटी गोली पीपल सोना पनघट सोना घर शमशान का बना नमूना फसल कटी आई बैसाखी तेरा आना रह गया बाकी चुटकी आई है चिट्ठी आई है वतन से पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था बंद हुआ ये मेल भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो डोली में जब बैठी बहना रास्ता देख रहे थे नैना मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है तेरी माँ का हाल बुरा है तेरी बीबी करती है सेवा सूरत से है बेवा तूने पैसा बहुत कमाया जिस पैसे ने देश छुड़ाया देश पराया छोड़ के आजा पंछी पिंजरा तोड़ के आजा आजा उम्र बहुत है छोटी अपने में भी है रोटी चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इस बच्चे द्वारा जितनी तालियां बजाई जाए उतनी कम इस बच्चे के लिए एक शेर है कि आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो सभा अध्यक्ष महोदय जी एवं हमारे समस्त छोटे बड़े भाई बहन और दूर दराज से आए हुए सभी अतिथिगण आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोग के बीच में एक शिक्षा प्रस्तुत करना चाहती हूँ जीवन में शिक्षा है बहुत जरूरी जीवन में शिक्षा है बहुत जरूरी गरीबी की हालत शिक्षा कैसी होगी पूरी गरीबी की हालत शिक्षा कैसी होगी पूरी शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है शिक्षा के बिना अपना जीवन खराब है बहुत गरीबी परिवारों में तनाव है शिक्षा है जीवन में बहुत जरूरी शिक्षा है जीवन में बहुत जरूरी गरीबी की हालत शिक्षा कैसी होगी पूरी बहुत उठाए हमने गरीबी में दुखेड़े
दीपक गुप्ता उप सचिव जो सुल्तानपुर संगठन में काम करते हैं, इन्होंने 8 बार ब्लड डोनेट किया है। इनका सम्मान श्री सत्यनारायण गुप्ता जो कि हमारे संरक्षक हैं उनके द्वारा किया जाएगा। मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि ये दीपक गुप्ता को का सम्मान करें। ये भैया टीचर मार्टिन बीच बीच में पानी के लिए आमंत्रित करता है। और सम्मान की इसी कड़ी में अमित गुप्ता जो कि संगठन मंत्री हैं, इनका सम्मान श्री राम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा किया जाएगा। मैं श्री राम प्रकाश गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि ये मई देते हैं फिर भी आप लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं। लोग अपने के बीच में एक गिलास पानी देना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन ऐसे साथी हैं ये। श्री दीपक गुप्ता का सम्मान श्री अच्छे लाल गुप्ता जी द्वारा किया जाएगा। ये 2 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, अगर ये मंच पर हैं तो आए और इनका सम्मान करें। श्री अच्छे लाल गुप्ता ये बहुत ही एक्टिव समाज सेवी हैं। दीपक जी हमेशा लगे रहते हैं अपने समाज की भलाई के लिए, बेहद ही अच्छे हैं, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है। इन्होंने 2 बार रक्तदान किया है, 2 बार किसी की जिंदगी बचाई है। बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है दीपक जी आपका, तालियां उसे तालियां बजा दीजिए। बात रक्तदान की हो रही है तो 2 शब्द में कहना चाहूंगा रक्तदान के लिए। मैं वो कहता रहा हूँ कि जो सबकी रगों में दौड़ना चाहता हूँ, एक बार नहीं जोरदार तालियां। तो मैं वहाँ कहता रहा हूँ जो सबकी रगों में दौड़ना चाहता हूँ, एक बार नहीं बार बार दौड़ना चाहता हूँ। आप सभी रक्तदान अवश्य करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका सफाई हो जाता है ब्लड का अंदर का। ध्यान दीजिएगा, मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश कार्यकारिणी से कि एक बार इसका कैंपेन चलाएं पूरा ब्लड डोनेशन का, वो अच्छा होगा हमारे समाज के लोग, कम से कम इसमें भी आगे आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी अपना 2 मिनट का स्पीच ब्लड डोनेशन पे दे सकते हैं, आइए स्टेज पर। सभी को नमस्कार, जितेंद्र और संदीप को नमस्कार। 2 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, वो मंच पर आए। देखिए ब्लड डोनेट कितना जरूरी है कितना नहीं ये तो आप सबको पता है, पर इम्पोर्टेंट इसमें ब्लड डोनेशन के साथ साथ एक जानकारी है जो गवर्नमेंट द्वारा सबको दी जा रही है और आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। एक बीमारी है थैलेसीमिया जो इंडिया में इस समय काफ़ी रैपिडली फैल रही है और ये नॉर्मली पेरेंट की जानकारी के अभाव में बच्चों द्वारा होता है, उनको झेलना पड़ता है। इसका इलाज कर सकते हैं, इंडिया के सबसे महंगे इलाजों में से एक होता है। तो इसका सिर्फ एक ही सबसे अच्छा जो गवर्नमेंट द्वारा सुझाया गया है वो है प्रिवेंशन, बचाओ। तो बचाओ ये कैसा है कि जब भी इस बीमारी से बचना हो या इस बीमारी बारे में जानकारी ना हो तो एटलीस्ट जो कपल मैरिड के लिए जा रहे हों उनको HBA2 हेपेटाइटिस बी का A2 का एक ऐसा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। आप होंगे, आपकी यादें होंगी, इन्हीं यादों को लेकर हम मेरा संगठन फलता फूलता रहेगा। जोरदार तालियां। और सम्मान की इसी कड़ी में मैं अयोध्या की धरती से चलकर आए जो कि अपना स्वयं का एक विद्यालय चलाते हैं, मिस्टर अन्ना हूं कि आप मंच पर आए और गुप्ता भू सोशल वेलफेयर फाउंडेशन आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। आपका स्वागत हमारे आए हैं संरक्षक श्री SN गुप्ता द्वारा किया जाएगा। ये भी विद्यालय के प्रबंधक हैं, इसलिए एक प्रबंधक की मनोभावना, एक प्रबंधक का विचार एक प्रबंधक ही जान सकता है। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है मिस्टर अनिरुद्ध कुमार गुप्ता जी का। भगेलू राम गुप्ता तो कुमारगंज अयोध्या से हैं, एक बार खड़े हो जाएं आकर के मंच की तरफ। मैं ये समस्त स्वजाति बंधुओं को बताना चाहूंगा कि ये महर्षि राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज को अपना संपूर्ण अंगदान दान कर चुके और ऐसे व्यक्ति के लिए जोरदार तालियां। इसी बीच आमंत्रित वक्ताओं के अभिभाषण के क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं HL बच्चन हमारे संगठन को दें 2 शब्द स्वास्थ्य शिक्षा और सुरक्षा पर अपना
अपने विचार रखें, जो कि संगठन का मूलभूत उद्देश्य है। माननीय आदरणीय श्री सदानंद गुप्ता HL कोरबा, गुप्ता श्री देवराज गुप्ता 88%, सौम्या गुप्ता श्री बद्री प्रसाद गुप्ता 88%, सृष्टि गुप्ता श्री शिव कुमार गुप्ता 88%, शांतनु गुप्ता श्री SN गुप्ता 87%, शिवांश गुप्ता धीरेन्द्र गुप्ता 86%, रमेश गुप्ता पुत्र श्री शिव जी गुप्ता 86%, अनुराग गुप्ता श्री मिठाई लाल गुप्ता 86%, आयुष गुप्ता श्री जीत लाल गुप्ता 84%, रुचि गुप्ता श्री पारस गुप्ता 84%, सौरभ गुप्ता श्री कमला प्रसाद गुप्ता 84%, दिवांशु गुप्ता श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता 83.50, अमन गुप्ता। आइए पीछे से आइए, लाल जी भैया उधर जाइए, उधर जाइए, उधर सेटल सेटल करवाइए ना, ओ हाँ इधर आइए, अरे उधर से उधर। इसमें समय जरूर लगेगा, आप लोग धैर्य बनाइए, क्योंकि ये कार्यक्रम ही बच्चों के लिए किया गया है। आशुतोष गुप्ता, संत लाल गुप्ता, अरविंद गुप्ता, श्री महेश गुप्ता, सामान बहुत सुंदर, सभी के सम्मान पर तालियां आनी चाहिए। साथ में एक जनरल, हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और ये वादा है, ये संगठन निरंतर हर वर्ष ये कार्यक्रम करता रहेगा। नैना गुप्ता, श्री संतोष कुमार 63%, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मार्क। मौका बाद में जब समझेगा। प्रमोद कुमार गुप्ता, अरविंद गुप्ता, किसी को नहीं लिखा, फूलचंद गुप्ता, सर्टिफिकेट है उसी से बुलवा के सम्मानित कराइए, जो बचेंगे उनको हम देंगे हमारे पास सादर। प्रमोद गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, हर्षित गुप्ता, धर्मेश कुमार, हर्षित गुप्ता, धर्मेश कुमार, गुप्त कुमार अगर आए हो तो आ जाए, शिवनाथ गुप्ता, रोहित कुमार गुप्ता, नंद कुमार गुप्ता, जल्दी पहुंचे, विजय कुमार गुप्ता, घनश्याम गुप्ता, फटाक से बेटा आप लोग आवाज सुन रहे हो, अविलंब यहां पहुंचे, जिनके नाम बुलाए गए, साधना गुप्ता, विजय गुप्ता, रोहित कुमार गुप्ता, नंद कुमार, विकास कुमार गुप्ता, घनश्याम, रोहित, रोहित साधना गुप्ता निकालिए, साधना गुप्ता, अभिनव गुप्ता, अभिनव गुप्ता, सर्टिफिकेट इनके पास होगा, जो यहाँ तो बुला दिया जाता है उनके पास होगा, ले लीजिए। देखिए राजेंद्र कुमार गुप्ता है, हाँ बुलाया, महिमा गुप्ता, नंद कुमार 63%, साधना गुप्ता, सतीश गुप्ता, विजय गुप्ता हो गया, प्रशस्ति पत्र ले जाएं, चंदन पंचम लाल,
चंदा पंचमलाल गुप्ता, चंदा पंचमलाल गुप्ता 81। ये तो मैं कह रहा हूँ अंजलि गुप्ता सच्चे लाल 80%, अंजलि गुप्ता सच्चे लाल। जिन बच्चों का पुरस्कार सम्मान उनका नहीं मिला है वो श्री लाल जी गुप्ता जी उनका नाम लिख रहे हैं बच्चों का सम्मान, उन बच्चों का जो भी सम्मान है उनके घर पर।